सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह अचानक सर्विस लेन धंसने के बाद तेज रफ्तार एसयूवी हादसे का शिकार हो गई। सर्विस लेन में पहुंची गाड़ी जिस गड्ढे में गिरी वह 50 फीट गहरा था। हालांकि कार उसी के बीच में जाकर अटक गई। गनीमत यह रही कि कार सीधी जाकर धंसी, जिससे कार में बैठे लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। हादसा बुधवार सुबह डौकी क्षेत्र के वाजिदपुर पुलिया के पास हुआ, जहां मुंबई से कन्नौज जा रहे कार सवार चार लोग अचानक इस दुर्घटना का शिकार हो गए। कार सवार सभी कन्नौज के ही रहने वाले थे और वह मुंबई कार खरीदने के लिए गए हुए थे। कार सवार के मुताबिक वह मुंबई से एक एसयूवी खरीद कर ला रहे थे। उन्हें रास्ते का पता नहीं था, जिसके चलते वह जीपीएस की मदद से एक्सप्रेसवे पर चल रहे थे। इसी बीच अचानक इंटरनेट की समस्या के चलते जीपीएस लॉस्ट हो गया और कार सर्विस लेन में जा पहुंची। सर्विस लेन का गड्ढा जब तक वह देख पाते तब तक उनकी गाड़ी 50 फीट गहरे गड्ढे में जा चुकी थी। न्यूज़ टाइम्स के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट।